मल्टी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको काशफूल घास के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेंगे। काशफूल एक बारहमासी शाकाहारी पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम सक्रम स्पोनेटियम। ये काशफूल आमतौर पर इसकी ऊंचाई 3 मीटर तक होते हैं। नदी के किनारे खिले सफेद और सफेद रंग के काशबर्ण बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगता है। काश एक प्रकार की लंबी घास है जो मूल रूप से दक्षिण एशिया में पाई जाती है। भारत, नेपाल और भूटान में, हिमालय की तलहटी में और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। ये घास बाढ़ के बाद नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जल्दी से ये इसमें उग आते हैं और इन्हीं घासों में भारतीय गेंडों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये घास इनके लिए आवास प्रदान करती है। काश की झाड़ियाँ नदियों के किनारे, दलदलों, घास के मैदानों, शुष्क उबड़ खाबड़ क्षेत्रों, पहाड़ों या गांवों में किसी भी ऊंचे स्थान में उगती है। हालांकि ये नदी के किनारे अधिक बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नदी के किनारों पर जलोढ़ मिट्टी की एक परत होती है। इस मिट्टी में काशा की जड़ें आसानी से फैल सकती है। ये काशफूल पतझड़ के मौसम में सफेद फूल झड़ जाते हैं। काशफूल के पत्तों या फूलों का उपयोग शुभ कार्यों में किया जाता है। खेत खलियान के आड़ में ये आपको दिखने को मिल जाएंगे। इन फूलों को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में दिखने को ज़्यादा मिलता है। ये काशफूल कुश फूलों के पौधे का एक प्रजाति है जो काश की तरह दिखते हैं। कुश हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ पुराणों में सबसे ऊपर है। आज ये काशफूल के बारे में इतना ही। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मल्टी लर्निंग को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।